ये बुक है, बुक में नाम लिखा है, पढ़ सकते हो आप लोग? ओके, बुक का नेम बोलो तो। रणवीर, व्हाट इज योर नेम? ओके, ये फ्रंट पेज है बुक का, ओके, एंड ये बैक पेज है। इस पेज पर आपको बुक का प्राइस भी लिखा हुआ होता है कि ये बुक कितने में आती है। और जो हमारे बुक का जो मिडल होता है ना, जिसमें हम लोग स्टेपल करते हैं, कई बार इसको बुक बाइंडिंग भी होता है, तो इसी कहते हैं अपने बुक का बैकबोन। क्या कहते हैं? बैकबोन। और ये जो बुक लिखी होती है, रिटन बाय, किसने लिखी है? उसका नाम है नेहा टकसाली। किसने लिखी है? नेहा टकसाली। इसी तरह से टीचर बुक ओपन कर रही है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज योर नेम? बुक का नाम है व्हाट इज योर नेम। अब टीचर रीड कर रही है, फर्स्ट पेज ओपन किया है। व्हाट इज योर नेम? आपका नाम क्या है? और ये रिटन किए नेहा टकसाली, ठीक है? जिसने लिखी है उसका नाम होता है बुक का, रिटन बाय। नाउ द फर्स्ट पेज, कैन यू सी दिस पेज? आपको दिखाई दे रहा है? यस। क्या दिखाई दे रहा है फर्स्ट पेज पर? एक बॉय दिखाई दे रहा है। अब टीचर रीड करिए, और एक छोटा सा चिक जैसा पिक्चर है, ओके? ओके ना? तो टीचर पढ़ रही है, हेलो, दिस लिटिल बॉयज नेम इज कियान। ये बॉय का नेम क्या है? कियान। बट ही हैज मेनी अदर नेम। लेकिन उसके बहुत अलग, अदर मतलब बहुत अलग, बहुत सारे अलग नाम भी हैं। अब नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हो क्या दिखाई दे रहा है हमको? लड्डू। लड्डू दिखाई दे रहा है। ये बॉय भी दिखाई दे रहा है? हाँ। और ये बॉय नीचे गिरा हुआ है, ये लड्डू के बीच में बैठा हुआ है ना? तो पढ़ रहे, मम्मा कॉल हिम लड्डू। मम्मा क्या बोलती है उसे? लड्डू बोलती है। शी सेज ही इज सुपर स्वीट। वो कैसा है? एकदम मीठा लड्डू की तरह है। मम्मा क्यों नाम उसका लड्डू रखा है? क्योंकि वो एकदम स्वीट है और मीठा है। नेक्स्ट पेज, और पेज के नंबर यहाँ पर लिखे हुए होंगे, ओके? नेक्स्ट, यू कैन सी द पिक्चर। कैसी दिखाई दे रही है ये पिक्चर में? कौन दिखाई दे रहा है? कैट दिखाई दे रही है। और ये छोटा सा चिक भी दिखाई दे रहा है। डैडी कॉल हिम्स मियाओ मनी। डैडी क्या बोलते हैं उसे? मियाओ मनी। क्या बोलते हैं? मियाओ मनी। नेक्स्ट पेज पर देखो, हमें नेक्स्ट और एक पिक्चर दिखाई दे रहा है, ओके? यस। वो पिक्चर किसका है? रैबिट। रैबिट, रैबिट तो सबने देखा है ना? और रैबिट को क्या पसंद है खाने को? उसके लिए क्या लिखा है? दादू कॉल हिम बन्नी। दादू क्या बोलते हैं उसे? बन्नी बोलते। ही सेज ही कैन ओनली सी टू टीथ। वो बोल रहे हैं क्योंकि रैबिट के कितने दांत दिखाई देते हैं? सिर्फ दो। तो उसके भी वो जो छोटा कॉल है, उसके छोटे से दो दांत दिखाई देते हैं, ऐसा उसका थिंकिंग है। नेक्स्ट पेज पर टीचर दे रही है, ये देखो कुछ अलग सा पिक्चर दिखाई दे रहा है, कुछ फनी फनी। ओके, अभी किसकी बारी है? ये देखो, ईरा दीदी कॉल हिम गुंडरू। क्या बोलती ईरा दीदी उसको? गुंडरू। गुंडरू सब जगह से देखो कैसे गोल गोल घुमाते है इसके। देखो, ही सेज कियान इज अ लिटिल रास्कल। कियान कैसे है? एक रास्कल की तरह है, जैसे कि खून का गोल गोल पूछना कैसे बनाया गया है, ऐसे वो दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? ओके, नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं साहिल भैया। उसकी जो भैया है कॉल हिम चिंदरू। क्या बोलते हैं? चिंदरू। चिंदरू बोलते हैं। डोंट नो व्हाई, पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं। बट ही सेज कियान थ्रोस टेंट्रम्स। सारी जगह से उसके खिलौने फैले हुए हैं, इसीलिए उसका नाम क्या रखा है? चिंदरू। किसने रखा है? भैया है। क्या नाम है भैया का? चिंदरू। भैया का नेम? साहिल भैया। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट पेज पर टर्न करके देखेंगे।
कियान प्लेस, लेकिन जब कियान खेलता है एक प्रैंक, कोई एक जादू से करता है या वो ऐसी कोई एक हरकत कर देता है कि अब सबके मजा मैं लूंगा, उसको बोलते हैं प्रैंक। तो वो प्रैंक जब करता है हेड समवेयर दे आर ऑल एंग्री विद हिम, जो वो सबके साथ एक प्रैंक करता है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, एंग्री मींस गुस्सा हो जाते एंड शाउटेड और चिल्लाकर बोलते, क्या नाम बोलते हैं, कियान। क्या बोलते हैं, कियान। व्हाट आर योर पेट नेम्स, आपके भी ऐसे कुछ नाम होंगे, मम्मी आपको अलग नाम से पुकारती है, डैडी आपको अलग नाम से पुकारते, भैया और दीदी आपको अलग नाम से पुकारते, तो उसे क्या नेम कहते हैं, पेट नेम्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या आपकी भी पेट नेम्स है? यस है। ओके रणवीर, तो आपका पेट नेम हमें बताइए, आपको मम्मी क्या पुकारती है, प्यार से क्या बोलती है, प्यार से क्या बोलती है मम्मी आपको, रणवीर। ओके, यानी आपका पेट नेम नहीं है। चलो सार्थक को, सार्थक। ओके, और भी मम्मी ने प्यार से नाम रखे होंगे, अनन्या, अनन्या, अनन्या ही बोलती है। ओके, टीचर का नाम तो है, मुझे मेरी मम्मी प्यार से रानी करके पुकारती है, तो मेरा पेट नेम हो गया रानी। वैसे आपकी मम्मी भी आपको प्यार से जो नाम पुकारती है वो आपका क्या नेम हो गया, पेट नेम हो गया। ठीक है, तो आपको ये स्टोरी समझ में आई, ये बुक का अंडरस्टैंडिंग हुआ, क्या टीचर ने समझाया? यस। ओके, थैंक यू।